समस्या यही है, मेरा पति लोन लिए थे, उदंत काल हो गया, हम जमीन बेच के उसको लोन चुका दिए, नोटिस कागज है मेरा पास, सब चीज है। हम जब अपना पैसा 3 लाख रुपया रखे थे तो निकालने गए, 2 लाख तो निकाल लिए, 50,000 निकालने गए तो हमको क्या बोला, आप घूस दीजिएगा हम लोग का पैसा, हम तो काहे देंगे घूस। अच्छा ठीक है, 50,000 उसमें हम 20,000 उसको दे दिए और 50,000 रुपया हमारा रह गया, 30,000 लेके हम घर चलाए, उसका 50,000 रह गया, 50,000 में लॉक लगा दिया, बोलता है कि तुम 20-30,000 रुपया यहाँ दो, उसका बाद तुम्हारा लॉक खोलेगा, नहीं खोलिएगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं खोलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शोभा देवी। कौन सा बैंक है ये? सेंट्रल बैंक। कहाँ का है? सुखासन का। आए तो बैंक में मैनेजर को बोले तो बोला कि जब 10,000 मिलेगा रसीद भरवा करके जाते हैं तो बोलता है नहीं मिलेगा, जमीन का रसीद लाओ तब मिलेगा। जमीन का रसीद मांगता है? कौन मांगता है? मैनेजर। क्या बोलता है, रसीद नहीं लेके आओगे तो पैसा नहीं देंगे? नहीं मिलेगा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अखरुद्दीन। कहाँ के रहने वाले? छोटी करके सर, मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ मोहम्मद लियास। मेरे पंचायत में विगत होल्ड लॉकडाउन लगने के बाद से मैनेजर के बारे ये खबर आ रही है कि सब खाता में होल्ड लगा दिया है, चाहे वो ऋण खाता वाला हो, चाहे वो पेंशन का खाता हो, चाहे गरीब का खाता हो या मजदूर का खाता हो, जबकि सरकार ने ये आदेश दिया कि लॉकडाउन पीरियड में यानी लगभग 3 महीना के भीतर किसी प्रकार का लोन का तगादा ना वसूल नहीं होगा और 3 महीना के बाद जो पैसा बनेगा वो लिया जाएगा, ये हमें जो प्राइवेट लोन है उसका भी किस्त बाद में दिया जाएगा, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान किसी को किसी प्रकार से पैसा लोन वसूली नहीं होगा। ऊपर से सरकार पब्लिक को खाने पीने के लिए, इसलिए कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, लोग को घर से बाहर निकलना मना है, यहाँ खेती किसानी भी बंद पड़ा हुआ, खेती किसानी में भी फायदा नहीं है, मकई सड़ रहा खेत में और मजदूर विदेश से पलायन पर करके आ रहे हैं, यहाँ के जो गरीब लोग हैं खटके रिक्शा चला के कमा के खाते थे, खाता में उस समय के लिए बुरा दिन के लिए कुछ खाता में पैसा रखा हुआ था, या पेंशनधारियों का पेंशन का पैसा, या प्रधानमंत्री सम्मान किसान योजना का पैसा, या तो फसल क्षतिपूर्ति का पैसा, या जो कन्वीनियंस का जो पैसा दिया है सरकार ने 500 करके महीना महीना में देता है, या गैस का जो सब्सिडी वाला पैसा, या जो फिर राशन कार्ड का 1,000, जितना पैसा आया बहुत ज्यादा खाता में ये क्लोज करके रख दिया, वो पैसा आता ही नहीं है, और कुछ खाता में अगर आया भी है तो उसमें वो मैंने उसको होल्ड लगा के रखा है। आदमी डेली मेला जैसे आता है, दिन भर धूप में खड़ा रहता है, शाम में पूछने पर डांट देता है और इन लोगों खाताधारी को फिर से भगा दिया जाता है। अब मजबूर होकर के मेरे पास गया लोग कि मुखिया जी हम लोग मर जाएंगे और हम भी कितना चलाएंगे, 100-200 करके आदमी के पास मजबूरी है, साग नहीं है, सब्जी नहीं है, नमक नहीं है, तेल नहीं, खाली खाने का राशन चावल से तो पेट नहीं भर जाएगा। तो हमने कल मैनेजर से आके पूछा कि आखिर क्या बात है कि आपके पास शिकायत लेके पब्लिक इतना मेरे पास आ रहा है, ब्लॉक तक जा रहा है, लेकिन आप अभी तक कुछ समझने वाला नहीं है, आपके दिल में ये दिल नहीं है, आप आदमी नहीं है, क्या आप आदमी के साथ जो जानवर जैसा व्यवहार करते हैं, कोई आदमी आपके पास पूछने जाता है तो भग 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 जैसे जानवर जैसा व्यवहार करते हैं, इस तरह क्या हरकत है? तो हमारे साथ भी वो बहुत हॉटअप कर दिया, गलत साथ अफसर हमको भी कह दिया आप कौन होते हैं, बैंक क्यों घुसे, आपका क्या अधिकार है लॉकडाउन के दौरान बैंक में घुसने का, चलिए हम लोग जो भी है, लेकिन ये किस सर्कुलर में सरकार ने कौन सा आदेश दिया कि इसको खाता अभी जो है ये होल्ड लगा के रखा है, जबकि सरकार का ये छोटा छोटा खुदरा पैसा खाने पीने के लिए सरकार ने दिया है। अरे आदमी जिंदा रहेगा तुमको लोन वसूल हो जाएगा, लेकिन आदमी मर जाएगा खाने के बगैर तो लोन कौन देगा? मैनेजर देगा, उसका बाप देगा क्या? हम चाहते हैं ऐसा मैनेजर को 1 घंटा के लिए मैनेजर बैंक में रहना नहीं चाहते, नहीं रहना चाहिए, इसको बैंक से अविलंब हटाया जाए, इस बैंक मैनेजर को दूसरा बैंक मैनेजर भेजा जाए। पब्लिक काफी आक्रोशित है, पब्लिक गुस्सा में कुछ भी कर सकता है, पेट में भूख है, भूखे पेट कुछ भी कर सकता है, आदमी गलत से गलत काम कर सकता है। ये मैनेजर को कह दिए, सरकार को बोलिए ऐसा मैनेजर सुखासन में सेंट्रल बैंक में नहीं चाहिए।
परिचय बताइए। हाँ, मोहम्मद इलियास, मुखिया पति ग्राम पंचायत रासुखासन। सबका इनोपरेटिव है खाता, मतलब लेन देन अगर खाते में साल दो साल से अगर ज्यादा अगर नहीं होता है लेन देन, मतलब पैसा निकासी और जमा दोनों होना चाहिए, दो साल का एक ना एक बार, इनका यहाँ पर खाता लॉक हो जाता है। इनोपरेटिव मतलब पैसा निकासी नहीं होगा, पैसा जमा होगा मगर निकलेगा नहीं। तो कैसे इसका समाधान होगा? समाधान होगा, उनका नॉमिनी का फॉर्म भरना है, इनोपरेटिव का आधार लिंक होता है, नॉमिनी फॉर्म भरना है, जिसका पुराने खाता इमेज नहीं, इमेज का अपलोड होगा, ये सब चीज़ करने का प्रोसेस है। अभी पाँच स्टाफ का स्ट्रीम है, पाँच में से सिर्फ दो स्टाफ आते हैं। सर, लोगों का आरोप यह है कि आप जो है कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कोई अभद्र भाषा का, हम अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो पब्लिक हमको छोड़ेगी। और आपके ऊपर में जो है कि लोन माफी को लेकर के किसी का जो कि आपकी तरफ से डिमांड किया गया है। क्या डिमांड किया गया? पीसी लिया गया है कि नो ड्यूज का पीसी लिया गया है जी। प्रूफ दीजिए हमको। प्रूफ है मेरे पास। दीजिए सर। है 1000 हमारी तरफ से पैसा रहेगा, उसको रहेगा ठीक है। 1000 गुना हमारी तरफ से पर्सनल अपना पीएफ काट के मैं उसको दूंगा सर। महिला का कहना है कि मेरे हस्बैंड लोन लिए थे। प्रूफ देना चाहिए लोन, ठीक है। प्रूफ है उसके ऊपर, आपके ऊपर में मेरे पति लोन लिया था और जो है कि नो ड्यूज के करवाना था, जो आप जो है कि 50,000 का डिमांड किए थे जिसमें 20,000 आप ले चुके हैं। 50,000 का ले चुके? कौन सा खाता में पैसा पॉकेट में रख लिया या खाता में डाला? नहीं, उसका जो अभी भी पूरा ज्ञान रखा कीजिए ना सर, पूरा ज्ञान रखा कीजिए। पैसा पॉकेट में, आपने पॉकेट में डाल दिया कि बैंक ने उसको पैसा खाते में डाला? वो तो बता रहे मेरे अकाउंट जो है कि लॉक कर दिया गया। प्रूफ लेके ले आइए, हाँ वो दिखाएंगे आपको। प्रूफ है, हम आपको प्रूफ दिखाएंगे। सर, खाता अपडेट को लेकर क्या समस्या बोल रहे हैं? खाता में पासबुक अपडेट नहीं हो रहा, सालों भर नहीं होता है सर, अपडेट नहीं हो रहा। बोला बैलेंस निकासी जमा तो होगा, उसको हो रहा है। बोला बहुत सालों तक अपडेट नहीं हो रहा, बहुत सालों तक अपडेट नहीं हो रही है। इसका अपडेट नहीं हो रहा, बस बैलेंस चेक कीजिए। पासबुक अपडेट नहीं होगा, ये लॉकडाउन के बाद से बंद है। प्रिंटर खराब है, बाहर पटना इंजीनियर आता है, पटना से बनाने के लिए आता है, अभी लॉकडाउन के कारण कैसे आएगा कोई? सालों भर से जो है अपडेट अप टू डेट का कारण यहाँ नहीं हो पा रहा है। सालों भर अप टू डेट नहीं होता है। बोल दिया सर, किसने बोल दिया? आप ही के ब्रांच के कस्टमर बताए हैं। अरे 1000 कस्टमर आप पूछे ना पहले से एक। देखिए, अगर आप आज की तारीख में आए, अगर पासबुक प्रिंटर खराब है, इसका ये मतलब नहीं कि बैंक पासबुक प्रिंटर सालों भर खराब होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर बैंक अगर सर्विस दे रही है, बैंक खुली है तो सर्विस मिलेगी, अगर काम ठीक होगा आपको मिलेगा सर्विस। यहाँ स्टाफ दो स्टाफ है, स्टाफ में कैसे करेगा? अपना परिचय लोग समझने को तैयार नहीं है। दिए सर, क्या परिचय दिया? शिवम कुमार, शाखा प्रबंधक।